गड़ाकोटा में विधानसभा चुनाव मतदान के बाद में कांग्रेस समर्थकों की गाड़ियों की तोड़फोड़ तथा कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल को धमकाने जैसे मामलों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह गड़ाकोटा पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस थाने में ज्ञापन सौंपा। वहीं बाद में मीडिया से चर्चा करते उन्होंने कहा कि मुझे गोपाल भार्गव से यह उम्मीद नहीं थी। घटना जो हुई है वाकई में सुनियोजित षड्यंत्र था और उन लोगों से वहां ये क्राइम हुई, अपराध कराया गया, जिनका कि फरियादी से कोई लेना देना नहीं था, जिसका कोई कारण नहीं था। गाड़ियां तोड़ दी, दुकान में घुस के मारपीट की, एक व्यक्ति की नाक टूट गई, उनके भतीजे की, और बीडी पटेल साहब के भतीजे के हाथ पैर टूट गए, और पुलिस ने 323 दर्ज किया, यानी कि साधारण मामला, और उसमें 6 गाड़ियां तोड़ दी। 4 लोग पकड़े गए जो कि उसमें शामिल भी नहीं थे, ऐसा मुझे बताया गया। पूरे केस को रफा दफा करने का प्रयास था, लेकिन कांग्रेस पार्टी दृढ़ता से इसका मुकाबला करती है, ये करेगी भी, और मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ कि गड़ाकोटा में, जो कि हमारे गोपाल भार्गव जी का गृहनगर है, वहाँ जिस तरह की शिकायतें मुझे मिल रही हैं, मेरे लिए तो चौंकाने वाली है। झूठे प्रकरण बनाए जा रहे हैं, जिला बदर की कार्रवाई हो रही है, पूरे तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है। उनसे ये उम्मीद नहीं थी। 10 साल तक मैं मुख्यमंत्री रहा, एक भी भाजपा का नेता या कार्यकर्ता स्वयं गोपाल भार्गव ये कहते हैं कि उनके साथ कभी हमने बदतमीजी की हो या अन्याय किया या कौन सा उनका काम रोका हो। यहाँ तक कि मुझे कई बार तो कांग्रेस के लोगों से शिकायत मिलती थी कि साहब आप इनके सारे काम कर देते हो, क्योंकि जो चुनकर आता है उसको ध्यान आपको रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ जो विपरीत स्थितियाँ मुझे मालूम पड़ी है, चौंकाने वाली है, और मुझे गोपाल भार्गव जी से ये उम्मीद नहीं थी।